बिहार के गया में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के छठे स्थापना दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने अपने संबोधन में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बड़ा बयान दिया है, जिसमें राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के स्थापना दिवस पर गया में हिंदू धर्म के बाद अब इस्लाम धर्म पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो कर्म करता है वही पूजा है। मांझी ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि काम ही पूजा है, ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाएं या मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करें। उन्होंने कहा कि लगता है कि अल्लाह बहरा हो गया है, बाबा साहब अंबेडकर की राहों पर चलना चाहिए, मैं धर्म नहीं मानता हूँ। करता है वही बड़ा होता है, तो इसीलिए अब वर्ग ही पूजा है। महात्मा गांधी का नाम जो हम लेते हैं तो उन्होंने कहा था काम ही पूजा है, ये नहीं कि मंदिर में जाकर के हम घंटी बजावे या मस्जिद में जाकर के हम अल्लाह को याद करें, लगता है कि अल्लाह हमारा बहरा हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि उस चीज को मैं नहीं मानता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो परिस्थितियां है, तो जब अम्बेडकर साहब ने हमको बताया तो उस पर चलना चाहिए। और वहां पर एक बात और है, जब हिंदू लोग यहाँ कहते हैं हम कि बड़ा सबसे जाते हैं और हैं भी और अपने को समझते हैं, तो इतना तो समझना चाहिए कि बाबा अम्बेडकर ने हिंदू